स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट इंडिया में दिखाई पड़ने वाले मोनोलिथ को लेकर है। जैसा कि आपने मोनोलिथ के बारे में तो सुना ही होगा, यह एक ऐसी शाइनिंग स्टील स्ट्रक्चर है जो कि मिस्टीरियसली कई सारी कंट्रीज में दिखाई पड़ा था और इसके बारे में कई सारी र्यूमर्स भी फैलाई गई थी, जैसे कि इस मोनोलिथ को एलियंस के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया है या फिर इसके जरिए एलियंस के द्वारा पृथ्वी पर अपना एक मैसेज भेजा जा रहा है। और ऐसे ही इस मोनोलिथ को लेकर न जाने कितनी ऐसी ही अफवाहों को उड़ाया गया था। यह मोनोलिथ एक ट्रायंगुलर शेप का शाइनी स्टील से बना हुआ पिलर है जिसके ऊपर कुछ अजीब नंबर्स लिखे होते हैं। यह मोनोलिथ यूटा, यूएसए, इंग्लैंड और फ्रांस के साथ करीब 30 देशों में दिखाई पड़ा था और इन सभी देशों में दिखाई पड़ने के बाद अब लास्ट में यह मोनोलिथ इंडिया में भी आ गया है। इंडिया में यह मोनोलिथ गुजरात के अहमदाबाद सिटी के एक गार्डन में दिखाई पड़ा। इंडिया में दिखाई दिया यह मोनोलिथ एक 7 फीट टॉल स्ट्रक्चर है जिसके दिखाई पड़ने से पता नहीं कैसी कैसी बातें और न्यूज आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि अहमदाबाद के जिस गार्डन में यह मोनोलिथ दिखाई पड़ा था उस गार्डन में किसी इंसान के द्वारा इसको लगाए जाने के कोई भी एविडेंस नहीं मिले थे, जिसकी वजह से ये माना जाने लगा कि इसको इंडिया में भी एलियंस ने आकर लगाया है। लेकिन ये जिस पार्क में दिखाई पड़ा था उसको अहमदाबाद की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और सिम्फनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मैनेज करा जाता है। और जब इसके बारे में कई सारी फॉल्स न्यूज बढ़ने लगी तब सिम्फनी लिमिटेड ने अपने एक स्टेटमेंट में यह बताया कि इस स्ट्रक्चर को उनके द्वारा ही पार्क में इंस्टॉल करवाया गया था, जिससे कि काफी ज्यादा लोग इससे अट्रैक्ट होकर पार्क में विजिट करने को आए। और जो न्यूज चैनल्स इसको एलियंस का मैसेज बता रहे थे अब उनके लिए यह क्लिप बिल्कुल ठीक बैठती है। कैसी लगी? बाकी मेरे हिसाब से और कंट्रीज में भी दिखाई दिया मोनोलिथ किसी पर्सन की तरफ से किया जा रहा कोई मजाक है, वरना आप खुद ही बताइए कि अगर एलियंस हमसे इतने एडवांस हैं कि वो कई लाइट ईयर्स का सफर तय करके पृथ्वी पर आए हैं तो वो अपना मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए एक स्टील से बने स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, क्योंकि उनको हम इंसानों के साथ लुका छिपी खेलना पसंद है। यह एक मजाक से कम और कुछ भी नहीं लगता है। आज की दूसरी अपडेट नासा के 2021 में करे जाने वाले स्पेस लॉन्च सिस्टम के फर्स्ट टेस्ट को लेकर है। जैसा कि आपको ये पता है कि नासा की तरफ से उसके स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट को डेवलप करा जा रहा है जो कि आने वाले फ्यूचर में नासा के एस्ट्रोनॉट्स को मून पर लेकर जाएगा। इसी को लेकर कल नासा के द्वारा एक जानकारी दी गई कि नासा के SLS रॉकेट के फर्स्ट लॉन्च को 2021 में परफॉर्म किया जाएगा और साथ ही के पहले लॉन्च में नासा के एक लूनर लैंडर को मून पर भेजा जाएगा जिसके कि 2021 में लॉन्च होने की उम्मीद है। वहीं नासा के द्वारा मून के साउथ पोल की स्टडी करने के लिए एक और प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनी मैस्टन स्पेस को भी चुना गया है जो कि 2021 में नासा के एक मून लैंडर को मून पर लॉन्च करेगी। इस रॉकेट में जो मून लैंडर लॉन्च किया जाएगा वह 2021 के थर्ड क्वार्टर तक मून पर लैंडिंग करेगा। 2024 में अपने एस्ट्रोनॉट को मून के साउथ पोल पर लैंड करवाने से पहले वहाँ के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए नासा के द्वारा पहले अपने लैंडर मिशन को मून के साउथ पोल पर भेजा जाएगा, जिसमें कि मून के साउथ पोल के एग्जैक्ट टेम्परेचर और सरफेस कंडीशन के बारे में और अच्छे से जानकारी नासा को मिल सके। वैसे कल के वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि नासा की तरफ से 2024 में की जाने वाली मून लैंडिंग में हमें थोड़ी देरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लैंडिंग की परमिशन या फिर फंडिंग US गवर्नमेंट की तरफ से मिले या फिर ना मिले, लेकिन नासा की तरफ से अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पर लैंड करवाने की पूरी तैयारी पहले से ही करी जा रही है। और 2024 तक ही नासा के एस्ट्रोनॉट मून पर उतरे या ना उतरे, लेकिन उसकी तैयारी उनको मून पर उतारने की पूरी हो जाएगी। आज की तीसरी अपडेट रूस के लूना 25 मून लैंडर मिशन को लेकर है। रशिया के द्वारा अपने लूना 25 मून लैंडर मिशन को 2024 में मून पर लैंड करवाने की पूरी तैयारी करी जा रही है और रूस की तरफ से इसकी टेस्टिंग को भी स्टार्ट किया जा चुका है। आपको बता दें कि सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद रूस की तरफ से पहली बार अपने किसी मिशन को मून पर भेजा जा रहा है, क्योंकि सोवियत यूनियन के समय में कई सारे मून लैंडर्स को मून के सरफेस पर लैंड
करवाया जा चुका है। आपको इस लूना 25 मिशन के बारे में बताएं तो यह लैंडर मून के साउथ पोल में लैंड करने के लिए डिजाइन करा गया है, जो कि 2021 में लॉन्च होने के लिए बिल्कुल तैयार है। वैसे तो इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को भी इसी साल लॉन्च के लिए शेड्यूल करा गया है, लेकिन अगर ये लूना 25 मिशन चंद्रयान 3 से पहले सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर लैंड हो जाता है तो इंडिया के पास जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि ऐसा पहला कंट्री बनने का जिसने कि मून के साउथ पोल पर अपने किसी लैंडर की लैंडिंग करवाई हो, उस टाइटल को खो देगा। बाकी अब कई सारे देश डायरेक्ट अपने मिशंस को मून के साउथ पोल पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि अमेरिका की मैस्टन स्पेस, चाइना, इंडिया और रशिया के द्वारा भी अपने कई सारे मिशंस को मून के साउथ पोल पर लैंड करवाने की तैयारी करी जा रही है। आज की चौथी अपडेट नासा के द्वारा दो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के मर्जर को स्पॉट करने को लेकर है। नासा के द्वारा दो ऐसे ब्लैक होल्स की डिस्कवरी करी गई है जो कि शायद आपस में मर्ज होकर एक होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल किसी भी गैलेक्सी का हार्ट होता है, जो कि पूरी गैलेक्सी को एक साथ बांध के रखता है, और लगभग हर एक बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में आपको एक सुपर मैसिव ब्लैक होल देखने को मिलेगा। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में सैगिटेरियस ए ब्लैक होल मौजूद है, और ऐसा ही एक सुपर मैसिव ब्लैक होल नासा ने अबेल 2261 कॉन्स्टेलेशन में कैच किया है, जो कि पृथ्वी से 2.7 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, और इसको नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर करा गया था। असल में इस गैलेक्सी में एक नहीं बल्कि दो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को डिस्कवर करा गया है, जिनका मास 3 बिलियन से लेकर 100 बिलियन सन्स के बराबर है, और एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के मिले डाटा की माने तो ये ब्लैक होल्स आपस में कोलाइड होने वाले हैं, मतलब कि ये दोनों ही ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होकर एक नए ब्लैक होल को प्रोड्यूस करने वाले हैं। नासा की तरफ से अब तक कई सारे ब्लैक होल्स के मर्जर को स्पॉट करा गया है, लेकिन किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के मर्जर को स्पॉट करने का ये मौका पहली बार नासा के पास आया है। और इसी को लेकर जब हबल टेलीस्कोप से इन ब्लैक होल्स को दोबारा देखा गया, तब इससे एमिट होने वाली लाइट को ही कैप्चर करा जा सका, और यह भी नहीं पता लगाया जा सका कि ये दोनों ब्लैक होल्स आपस में कोलाइड हो चुके हैं या नहीं, और ना ही इनके कोलिजन से निकलने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को हबल टेलीस्कोप की मदद से डिटेक्ट करा जा सका। और अगर नासा के द्वारा इनके मर्जर को डिटेक्ट नहीं करा जा सकता है तो शायद ऐसा दूसरा मौका आने वाले कई हजार सालों तक नासा के पास ना हो कि वह किन्हीं दो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के मर्जर को दोबारा से देख सके। और इसी को जानने के लिए नासा के द्वारा अब अपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि 2021 में लॉन्च करा जाएगा, की मदद से एक बार फिर से इस एबेल 2261 कॉन्स्टेलेशन में इन्हीं दो ब्लैक होल्स की स्टडी करी जाएगी और पता लगाया जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में क्या ये दोनों ही ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हो चुके हैं या फिर ये अपनी मर्जिंग के स्टेज के काफी करीब पहुंच गए हैं। इन सब का पता तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च होने के बाद ही चल पाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और अपडेट्स को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।